पठानकोट में वो लोग थे उस समय 20 तारीख को। जैसा कि आपने हमें बताया है मैराथन दौड़ हो रही थी, वो सुबह 6 बजे होनी थी, 6 बजे के बजाय वो अधिकारी ने उसको 11 बजे करा दिया और उनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद वो लोग दिल्ली लाए गए, वहाँ पे चला और बड़ा दुखद रहा कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। कि जिस अधिकारी ने इतनी लापरवाही बरती, जो दौड़ सुबह होनी थी वो दौड़ सुबह 6 बजे के बजाय 11 बजे दिन में शुरू हुई, गर्मी थी जिस कारण ये घटना घटी है। नॉर्म्स होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, आर्मी का मामला है तो नेचुरली उनका अपना कोर्ट जो है, जो अधिकारी हैं उन्होंने ज़रूर उसमें इंक्वायरी सेटअप की होगी। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि न्याय हो, और न्याय हो ही नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। परिवार को भी लगे कि उनके बेटे के साथ में न्याय हुआ है, और वो केवल सिदौत का बेटा नहीं था बल्कि इस पूरे जनपद का बेटा था, इस देश का बेटा था। 5-6 और भी जवानों के साथ में ऐसा हुआ, 4-5 जवानों की जान गई है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अब आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका संज्ञान माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेना चाहिए, इसका संज्ञान जो है चीफ है तीनों फोर्सेस के उनको लेना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो केंद्र का विषय है, उन लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना, उसका जो उसकी सज़ा होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी का कोर्ट अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। जो भी घटना हुई है अधिकारी की कमी से हुई है, क्योंकि उनका प्लान 6 बजे सुबह था, और 6 बजे सुबह में अगर मैराथन दौड़ कराई गई होती तो शायद उस दौड़ का ये परिणाम नहीं हुआ होता। आने का ही परिणाम है कि लगभग 40 जवान उस बैच में थे और 40 लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा हुआ है। तैनाती तो 2007 में हुई थी और फिलहाल वर्तमान में वो जम्मू में तैनात थे। बच्चे तो छोटे हैं लेकिन हम उनके भाई हैं, और उचित न्याय यही होगा कि वो गलत किए हैं, गद्दारी किए हैं, देश के जवानों के साथ गद्दारी किए हैं, इसका उचित न्याय मिलना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूँ मधु, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ चैनल जागो, और हम लोग कासिमाबाद थाना के अंतर्गत जलालपुर गांव में आए हैं। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे कोई जवान शहीद हुए हैं, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ साफ सफाई हो रही है। चलिए देखते हैं, पता करते हैं उनकी वो कैसे शहीद हुए, उनके घर वालों से पता करते हैं। आप यहाँ जलालपुर में आई हैं, यहाँ किस तरह की घटना हुई? अत्यंत दुखद रहा है राम निवास यादव जी की शहादत। मुझे सुबह पता चला, कल रात में इनके परिवार में आप इनके बड़े भाई साहब हैं उनको ये सूचना मिली, और पठानकोट में वो लोग थे उस समय 20 तारीख को। जैसा कि आपने हमें बताया है मैराथन दौड़ हो रही थी, वो सुबह 6 बजे होनी थी, 6 बजे के बजाय वो अधिकारी ने उसको 11 बजे करा दिया और उसमें वो लोग बेहोश हो गए, 6-7 लोग थे। 2-3 दिन वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो लोग दिल्ली लाए गए, वहाँ पे चला, और बड़ा दुखद रहा कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस अधिकारी ने इतनी लापरवाही बरती, जो दौड़ सुबह होनी थी वो दौड़ सुबह 6 बजे के बजाय 11 बजे दिन में शुरू हुई, गर्मी थी जिस कारण ये घटना घटी है। वैसे तो आर्मी वालों का अपना डिसिप्लिन होता है, उनका सब कुछ होता है, और मैं समझती हूँ कि वो इसमें इंक्वायरी ज़रूर करेंगे, उन्हें करनी भी चाहिए। इस शोक संतप्त परिवार के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि उनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके आगे के जीवन यापन के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सरकार दे, एक पेट्रोल पंप उन लोगों को, और बच्चा उनका लखनऊ में हॉस्टल में पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसके लिए जो है एक आवास उनके लिए करें, और साथ में ये जो सड़क यहाँ से आ रही है इनके घर तक की, उसका ना उस सड़क का जो
नामकरण है वो उनके नाम पर उस मार्ग का नाम रखा गया है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, लेकिन ये लापरवाही बड़ी हुई है अधिकारी की। मैम, यदि अधिकारी के द्वारा यह लापरवाही की गई है तो इसमें क्या होनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, आर्मी का मामला है तो नेचुरली उनका अपना कोर्ट जो है, जो अधिकारी हैं उन्होंने ज़रूर उसमें इंक्वायरी सेटअप की होगी। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि न्याय हो, और न्याय हो ही नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, परिवार को भी लगे कि उनके बेटे के साथ में न्याय हुआ है। और वो केवल सिदौत का बेटा नहीं था, बल्कि इस पूरे जनपद का बेटा था, इस देश का बेटा था। 5-6 और भी जवानों के साथ में ऐसा हुआ, 4-5 जवानों की जान गई है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मैम, एक क्वेश्चन और आपसे होगा। मैम, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अब आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका संज्ञान माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेना चाहिए। इसका संज्ञान जो है, चीफ है तीनों फोर्सेस के, उनको लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये तो केंद्र का विषय है, उन लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना, उसका जो उसकी सज़ा होती है वो होनी चाहिए। क्योंकि आर्मी का कोर्ट अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं कुछ कह सकती हूँ कि क्या होगा। लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ये तभी हो सकेगा जब इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति को जो दंड है वो मिले। मैम, रामनिवास जी की डेड बॉडी कब तक आनी है? हमारे देश की सेवा कर रहे थे, हालांकि इसके बारे में यदि कोई आपको जानकारी हो तो बताएं। मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरी अभी किसी उससे बात नहीं हुई थी। मुझे जैसे ये सूचना मिली मैं यहाँ चली आई हूँ। आपके भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री वीरेंद्र यादव जी, तो इन्होंने मुझे बताया है कि करीब 2:30 बजे वो लोग दिल्ली से लेके बाई रोड चलेंगे, तो संभवतः यहाँ आने में सुबह तो हो ही जाएगी, 4-5 बजे का जो मुझे लगता है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इस परिवार के प्रति भी, और जो 4-5 अन्य जवानों की शहादत हुई है उनके परिवार के प्रति भी संवेदनशीलता उन्हें दिखानी चाहिए, और उनके भविष्य के लिए जो भी हो सके, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल पंप है, 1 करोड़ रुपया है, आवास है जिस जनपद में वो रह रहे हों, और इस सड़क का नाम उनके नाम पर होना चाहिए, यहाँ पर एक द्वार उनके नाम पर वो बना दें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए सेवा की है, तो कम से कम उनके स्मृति शेष तो रहे। ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली है, इस पूरे गांव के लोगों की है, इस गांव के लोग चाहते हैं कि उनके नाम पे ये हो। ठीक है, थैंक यू मैम। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप उनके बड़े भाई हैं, जानकारी मिली है जी। सर, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है कि घटना कैसे हुई है? जो भी घटना हुई है अधिकारी की कमी से हुई है, क्योंकि उनका प्लान 6 बजे सुबह था, और 6 बजे सुबह में अगर मैराथन दौड़ कराई गई होती तो शायद उस दौड़ का ये परिणाम नहीं हुआ होता। 11 बजे 6 बजे की जगह 11 बजे कराने का ही परिणाम है कि लगभग 40 जवान उस बैच में थे, और 40 लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा हुआ है। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस पोस्ट पे थे और कब उनकी तैनाती हुई थी और कहाँ पे तैनात थे? तैनाती तो 2007 में हुई थी, और फिलहाल वर्तमान में वो जम्मू में तैनात थे। जम्मू से उनको चुन करके एक रेसर के रूप में यहाँ पठानकोट दौड़ने के लिए लाया गया था। सर, क्या उनके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। क्या मांग करते हैं जिस अधिकारी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जिनकी कमी से हुआ है, आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से? बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन हम उनके भाई हैं, और उचित न्याय यही होगा कि वो गलत किए हैं, गद्दारी किए हैं, देश के जवानों के साथ गद्दारी किए हैं, इसका उचित न्याय मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ 6 बजे के बजाय, क्यों दौड़ 11 बजे दिन में जब तापमान चढ़ गया तो कराई गई? सर, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बच्चा एक 12 साल का है और एक 4 साल के तकरीबन।